आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इन फिगर इट इज़ गिवन दैट ए एफ इक्वल टू सी एफ, ई एफ इक्वल टू बी डी एंड एंगल ए एफ इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी डी। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है दैट इज इक्वल टू एफ सी लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद बोला है कि जो ई एफ लाइन सेगमेंट है दैट इज इक्वल टू बी डी लाइन सेगमेंट एंड एंगल ए एफ ई का मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल डी बी सी के इक्वल है। ठीक है, तब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो बेसिकली हम लोगों को कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पॉइंट्स, और ऐसे 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स तैयार हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ हम लोगों को क्या दे रखी है, जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोगों को दिया है कि ई एफ लाइन सेगमेंट बी डी लाइन सेगमेंट के इक्वल है। मतलब इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। तो चलो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है कि ए एफ ई जो एंगल है वो किसके इक्वल है, डी बी सी के। तो ए एफ ई का मतलब ये एंगल नीचे वाले ट्राइंगल का, देखिए ये एंगल किसके इक्वल है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है। और ये इस तरीके से दूसरा पॉइंट हो जाता है। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या, यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी एफ। तो ए बी तो देखिए सिर्फ इतना सा लाइन सेगमेंट है ना, और सी एफ ये वाला है, इसका मतलब ये किसी भी ट्राइंगल की कंप्लीट साइड नहीं है। मतलब अभी तक हम लोगों के पास में सिर्फ कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट की कमी है। लेकिन हम लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों के पास किसी भी एक पॉइंट की कमी हो और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख जाए तो बेटा क्वेश्चन को हम लोग इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले हम लोग करेंगे क्या, वो तीसरा पॉइंट फाइंड करेंगे, तीसरे पॉइंट की जो कमी है वो पूरा करेंगे, फिर उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई हम लोगों को दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट कि ए बी इज इक्वल टू वॉट सी एफ, ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल दे रखे हैं। अब फिगर पर हम लोग आए तो देखो ए बी ये वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट में ये पार्ट प्लस कर दिया जाए यानी कि लाइन सेगमेंट प्लस कर दिया जाए बी एफ, और बिल्कुल इसी तरीके से सी एफ में भी ये वाला पार्ट प्लस कर दिया जाए तो इससे होगा क्या, जब इसके अंदर हम लोग ये पार्ट प्लस करेंगे तो ये साइड बन जाएगी किसकी, नीचे वाले ट्राइंगल की, और जब इस पार्ट में हम लोग ये पार्ट प्लस करेंगे तो ये साइड बन जाएगी किसकी, ऊपर वाले ट्राइंगल की, और हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स में क्या प्लस कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट यानी कि बी एफ को प्लस कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि ए बी में हम लोगों ने क्या प्लस किया, बी एफ को प्लस कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सी एफ में भी जब हम लोग बी एफ को प्लस करेंगे तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग ए बी प्लस बी एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो ए बी प्लस बी एफ की जगह पे रखा जा सकता है ए एफ। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। सो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया ए एफ एंड दिस इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ। देखो सी एफ ये वाला पार्ट है, बी एफ ये वाला पार्ट है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बी सी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड किया तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब आ जाते हैं हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स पर, क्योंकि इन्हीं दोनों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब यहाँ पर मैंशन करें, नाउ इन ट्राइंगल विच वन ए एफ ई एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है सी बी डी, और इन दो ट्राइंगल्स को अब करते हैं हम लोग कंपेयर। तो भाई इस ट्राइंगल की कौन सी साइड, ई एफ साइड। सो इस ट्राइंगल की ई एफ साइड इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, इस बी डी साइड के इक्वल है। और ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंशन किया, गिवन कंडीशन है भाई ये। दूसरा पॉइंट हम लोगों के पास में क्या है कि इस ट्राइंगल का जो ये एंगल है, नाम क्या है इस एंगल का, एंगल ए एफ ई, वो किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, इस ट्राइंगल के एंगल डी बी सी यानी कि इस एंगल के इक्वल है, देखिए। ठीक है, और ऐसा हम लोगों को गिवन है। सो यहाँ भी हम लोग मैंशन करें गिवन। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि भाई इस ट्राइंगल की जो ए एफ साइड है, मतलब ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की इस बी सी साइड के इक्वल है। और ऐसा हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसको मैंशन करते हैं, तो भाई ए एफ इज इक्वल टू वॉट,
बी सी, और इसका रीज़न डालते हैं हम लोग क्या फॉर्म इक्वेशन नंबर वन, वन में हम लोगों ने ऐसा शो किया है। और अब इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए एफ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल सी बी डी। और किस क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देखो जब भी कभी हम लोगों को क्राइटेरियन चेक करना होता है तो हम लोग क्या करें, सिर्फ एक ही ट्राइंगल को लेके चलें। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, जब क्राइटेरियन देखना होता है तो हम लोग एक ही ट्राइंगल लेकर चलते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल को हम लोग लेकर चल रहे हैं और इस ट्राइंगल की हम लोगों ने इस साइड को कंसिडर किया है, ठीक है, ये साइड हम लोगों ने ली है और साथ में ये वाला एंगल लिया है, मतलब दो साइड्स हम लोगों ने लिए और इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल कंसीडर किया है। तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल मतलब एस ए एस, तो कौन सा क्राइटेरियन हुआ, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।